हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। आपके जो मुझे अप्रिशिएशन मिल रहे हैं उसकी वजह से मैं हर दिन वीडियोस को अपलोड कर पा रही हूँ, वरना वीडियोस को हर दिन अपलोड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड करने के पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर जाके अपलोड होता है। तो मैं जब भी कमेंट बॉक्स में देखती हूँ किसी स्टूडेंट ने मुझे अगर थैंक यू भी बोला है तो वो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। तो हर एक स्टूडेंट का जो थैंक यू है वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से दोस थैंक यूज आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। जितने भी थैंक्स मुझे मिल रहे हैं वो मुझे एनर्जाइज करते हैं वीडियोस को अपलोड करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का थैंक यू मेरे लिए एक तरीके से एनर्जी बूस्टर है और इसी की वजह से मैं वीडियोस को लगातार अपलोड कर पा रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पैसे ले रहे हैं और ये मेरे एक स्टूडेंट है आशीष, जो फेस टू फेस क्लास का स्टूडेंट है। उसका बैच खत्म हो चुका है और इसी का मैं प्रेसी ले रही हूँ। इसने प्रेसी लिखा है और मुझे भेजा है। ये आशीष है, देखिए इसने किस तरह से स्टाइल में अपना नाम लिखा है, ए नजर ही नहीं आ रहा है। इसने जो प्रेसी शीट ली है वो यूपीएससी वाली प्रेसी शीट नहीं ली है, मुझे ऐसा लगता है इसने खुद से टाइप किया होगा, ये बॉक्सेस खुद से कंप्यूटर में बनाया होगा। ठीक है, मेहनत तो की है बच्चे ने, मगर मैंने आशीष को कहा है कि अब प्रेसी शीट में लिखना जो यूपीएससी प्रोवाइड करता है। तो इसने जो प्रेसी ली है स्टूडेंट्स, ये 2013 के सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर से ली है। और इसका मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ लूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स। जो पैसेज है वो 450 वर्ड्स का है, यानी आपको इसको अगर 1/3 करना है तो आपको अराउंड 150 वर्ड्स का लिखना होगा। इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। देखिए यहाँ पर प्रेसी में लिखा है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यानी अगर आप टाइटल मेंशन नहीं करोगे तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट द प्रेसी एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। एज फार एज पॉसिबल लिखा है, इसका मतलब कहीं पे गुंजाइश है कि आप पैसेज के भी वर्ड्स को ले सकते हो। सेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना है एट द एंड ऑफ द आंसर, यानी आपकी प्रेसी खत्म हो जाती है उसके नीचे आपको नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना है। राइट द प्रेसी ऑन द सेपरेट शीट प्रोवाइडेड एंड फासन देम टू द आंसर बुक। यानी इस इंस्ट्रक्शन में दो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन हमें मिले हैं, पहला तो कि आपको टाइटल सजेस्ट करना है और दूसरा कि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर लिखना है। तो हम देखते हैं आशीष ने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है या नहीं। टोटल वर्ड्स इसने लिख दिया है 158। आशीष टोटल वर्ड्स एस लिखोगे यहाँ पर, तो इसने इंस्ट्रक्शन ये वाला फॉलो किया। उसके बाद लिखा था टाइटल सजेस्ट करने के लिए, तो इसने टाइटल भी सजेस्ट कर दिया है। आशीष एरो देने की जरूरत नहीं है, हर अपने आशीष नाम के नीचे भी एरो दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली आप इस तरह से मुझे प्रेसी दो जैसे कि आप एग्जाम में लिख रहे हो। ऑब्वियसली जब एग्जाम में लिखोगे तो आप एरो वैरो नहीं दोगे, है ना। वैसे आशीष बेसिकली सीडीएस का स्टूडेंट है, मगर वो सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के साथ क्लास में रहता था तो उसको इंस्पिरेशन मिली होगी कि उसे सीएपीएफ का भी एग्जाम देना चाहिए। चलिए अब हम इसकी प्रेसी पढ़ते हैं, मगर इसकी प्रेसी पढ़ने के पहले जो पैसेज है उसको हम देखते हैं, पैसेज में क्या है। स्टूडेंट्स प्रेसी में दो चीज करना बहुत जरूरी है, पहली चीज एनालिसिस और दूसरी चीज सिंथेसिस। एनालिसिस कब करोगे, पढ़ते वक्त एट द टाइम ऑफ रीडिंग यू हैव टू डू एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पैसेज को, पूरे पैसेज को यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सेवरल कॉन्सेप्ट्स। और सिंथेसिस कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ राइटिंग। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, जब आपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन कर दिया है, समझने के लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जब आप लिखते हो तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ब्रेक डाउन किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको लिखते वक्त सिंथेसाइज करोगे, मतलब जोड़ दोगे। फाइन, तो सबसे पहले हम प्रेसी पैसेज देखते हैं। पैसेज मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो स्टूडेंट सीरियसली इस वीडियो को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरह से प्रेसी लिखी जाती है, वो लोग सबसे पहले सीएपीएफ की जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो बुक आती है उसमें 2013 का प्रेसी आप लोग पहले खुद से पढ़ो। कोशिश करो कि जो कॉन्सेप्ट्स है उसको एनालाइज करने का, कहने का मतलब पूरे पैसेज को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट
कॉन्सेप्ट में उसको ब्रेक डाउन करोगे, फिर जब ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप ये वीडियो देखना, इस तरह से करोगे तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, CAPF के लेक्चर्स जो होते हैं, फेस टू फेस वाले लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो सिर्फ देखने से, सुनने से, नोट डाउन करने से इम्प्रूव नहीं होते हैं। अगर आप अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आपका इम्प्रूवमेंट सुनने, देखने, नोट डाउन करने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंटल एक्सरसाइज करने की। आजकल लोग मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि 2013 का पैसेज देखो और मेंटल एक्सरसाइज करो। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब कि जो आपको मिला है पैसेज, उसको ब्रेक डाउन करो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में और फिर आप लोग वीडियो देखना। अब ये पूरा पैसेज है, मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, मगर मैंने इसको ब्रेक डाउन कैसे किया है। मैंने आप लोगों को प्रेसी के लेक्चर में ये बताया हुआ है कि जब भी आप प्रेसी पढ़ो तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द की वर्ड दैट इज बीइंग रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द पैसेज। तो यहाँ पर जो की वर्ड जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो है रीजनल लैंग्वेज। अब आप देखिए, लिटरेचर भी रिपीट हो रहा है, लिटरेचर भी आपको कई बार दिखेगा, ओके, मगर आपको रीजनल लैंग्वेज भी कई बार दिखेगा। ये रहा रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज है, फिर एक और जगह लोकल लैंग्वेज का मतलब भी रीजनल लैंग्वेज होता है, फिर यहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेज है, फिर आप देखोगे इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस विद कल्चरल डोमिनेशन, तो यहाँ पर इट भी रीजनल लैंग्वेज है। तो आप देख रहे हो रीजनल लैंग्वेज कितनी बार रिपीट हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट में आओगे, नेक्स्ट पैरा में आप देखोगे कि रीजनल लैंग्वेज नहीं है, नेक्स्ट पैरा में आपको कहीं पर भी रीजनल लैंग्वेज शायद नहीं मिलेगा। फिर आप थर्ड पैरा में देखोगे काफी रीजनल लैंग्वेजेस आ रहा है, ये है रीजनल लिटरेचर, तो यानी रीजनल लैंग्वेज। सेवरल लैंग्वेजेस में रीजनल लैंग्वेज आता है, ड्रेविडियन लैंग्वेज, ये भी रीजनल लैंग्वेज है, फाइन। मैथिली, डोगरी, राजस्थानी, ये रीजनल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद आप देखोगे रीजनल लिटरेचर आया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो बार बार रीजनल और लिटरेचर, ये दो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो आपका जो प्रेसी का टॉपिक होना चाहिए वो रीजनल लिटरेचर होना चाहिए, मगर आशीष ने इसका टॉपिक क्या दे दिया, हिंदी लिटरेचर। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी इस पैसेज में आपके सिर्फ तीन पैरा है और तीन पैरा में आपका जो मिडिल पैरा यानी सेकेंड पैरा में सिर्फ हिंदी के बारे में जिक्र किया गया है, सिर्फ हिंदी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ हिंदी आ रहा है, हिंदुस्तानी, हिंदू, तो हिंदी जो है ना सिर्फ सेकंड पैरा में है, मगर आपके थर्ड पैरा में भी रीजनल है और फर्स्ट पैरा में भी रीजनल है। तो आशीष ने जो टॉपिक लिया वो सही नहीं लिया। तो इसको पता है कि ना कि सबसे पहले हमें टॉपिक आइडेंटिफाई करना, और टॉपिक जो होगा वो बार बार जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कीवर्ड्स, तो वही टॉपिक बन जाता है। ठीक है आशीष, तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने टॉपिक सही नहीं लिखा, आपको हिंदी लिटरेचर न लिख के आपको रीजनल लिटरेचर लिखना चाहिए था, ओके। और टॉपिक आपका कम से कम, आई मीन यू नो, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड्स का होना चाहिए। तो इसका ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड से ज्यादा का टॉपिक वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो हमने सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई की टॉपिक, ये पहला मेंटल एक्सरसाइज है कि आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करना है। तो जब मैंने फर्स्ट पैरा पढ़ा, तो फर्स्ट पैरा में मुझे, अगर आप लोग पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पैरा में ये बता रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग ने रीजनल लैंग्वेज क्यों पढ़ा, क्यों समझा, उनको कैसे पता चला कि रीजनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। क्यों ब्रिटिशर्स लोग ने रीजनल लैंग्वेज को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि इन लोगों को मदद करेगी रीजनल लैंग्वेज, ताकि वो लोकल्स जो है या इंडियंस है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। एक्चुअली नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में जो मदद कर रहे हैं, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी नहीं है ये लोग, नेशनलिस्ट हैं, यानी जो पैट्रियट्स हैं जो इंडिया के, उनको कहते हैं नेशनलिस्ट। तो ये लोग को भी रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चल गया, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लिटरेचर। तो बेसिकली इसमें दो ही चीज बता रही है कि ब्रिटिशर्स और नेशनलिस्ट दोनों को रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस पता चल गया, या रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चल गया। सेकेंड पैरा में सिर्फ हिंदी हिंदी के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अगर आप सेकेंड पैरा पढ़ोगे तो उसमें हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश किया गया था, राइट।
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। देखो इसने अंडरलाइन भी किया है, और अजीब बात क्या है, इसने फर्स्ट पैरा में कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया आशीष ने, ठीक है, जबकि रीजनल लैंग्वेज को अंडरलाइन करना चाहिए था, इसने नहीं किया। आशीष को लगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा सेकंड पैरा में इंपॉर्टेंट है, तो अब देखो सेकंड पैरा में इसने कितना कुछ अंडरलाइन किया है। अब देखो बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, अब ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन तो है नहीं, इसने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप इंक्लूड करोगे, और क्या चीज नॉन इंपॉर्टेंट है तो उसको आप एक्सक्लूड करोगे। अब ये बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको उसने अंडरलाइन किया है। अब उसके बाद जो थर्ड पैरा है स्टूडेंट्स, थर्ड पैरा में ये बता रहा है द ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी। यहाँ पर ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी इसलिए लिखा क्योंकि इसके पहले वाले पैरा में सिर्फ हिंदी हिंदी के बारे में जिक्र हो रहा है। हैज हाउएवर, मैं ये सारे लाइंस को छोड़ रही हूँ, हैज हाउएवर नॉट एक्लिप्स अदर रीजनल लिटरेचर्स। एक्लिप्स का मतलब हुआ कि हिंदी की वजह से जो दूसरे रीजनल लिटरेचर्स है उनका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। तो कैसे पता चलता है, 1954 साहित्य अकेडमी स्टैब्लिश किया गया था जो इंडियन लिटरेचर्स सेवरल लैंग्वेजेस में प्रमोट कर रहा था। वो लैंग्वेजेस जैसे द्रविड़ियन है लैंग्वेज, आपका मैथिली, राजस्थानी, डोगरी, ये सारे लैंग्वेजेस में लिटरेचर को प्रमोट करता है, कन्नड़, ये सारी चीजें है ना। तो यहाँ पर फिर से रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, फिर से रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा, जब है ना स्टेट को वापस से रीअरेंज किया गया लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल में, तो इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया रीजनल लिटरेचर को। तो बेसिकली यही चीज है। अब ये वाली जो चीज है, यूनिटी इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट्स कास्ट डिविजन, इट्स रिलीजियस कम्युनिटीज एंड जेंडर इनइक्वालिटी, दिस सोशल डायमेंशन ऑफ इंडियन लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक तो रीजनल लिटरेचर है। तो यदि अगर रीजनल लिटरेचर टॉपिक बन गया है तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना भी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रहे हो। बेसिकली इसमें तीन चीज के बारे में बता रहा है। हमने कैसे ब्रेक डाउन किया है मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज हमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, रीजनल लिटरेचर। ओके, रीजनल लिटरेचर, तो सबसे पहले हमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने फर्स्ट पैरा में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कैसे पता चला। फिर हमने देखा नेशनलिस्ट को रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस कैसे पता चला। उसके बाद रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया जब 1954 में साहित्य अकेडमी स्टैब्लिश किया गया था। फिर और इंपॉर्टेंस कब बढ़ा, जब ना पूरे इंडिया को फिर से रीअरेंज किया गया, ऑन स्टेट्स को रीअरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। तो ये चार चीजों की वजह से इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो हमने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया पैसेज को। उसके बाद हिंदी के बारे में भी आता है कि हिंदी को भी इंपॉर्टेंस मिला था 90s में। फाइन, ओके, तो ये हमने पूरा पैसेज को ब्रेक डाउन करके अब हमें सिंथेसाइज करना है। तो सिंथेसाइज कैसे करेंगे, हम सबसे पहले रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस बताएंगे, फिर रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस ब्रिटिश ने जाना, नेशनलिस्ट ने जाना, और फिर उसके बाद हिंदी का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया अलॉन्ग विद दिस रीजनल लैंग्वेज। फिर हम लिखेंगे रीजनल लैंग्वेज का और इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। फाइन, अब आशीष ने कैसे लिखा है देखिए, इसकी कैपिटल लेटर में प्रॉब्लम है, पंचुएशन में प्रॉब्लम है, जिसके बारे में बाद में बात करूंगी। आर इंडियन लिटरेचर हैज ग्रेट रिमार्केबल वैल्यू। अब आप देखिए अननेसेसरी बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए, ग्रेट भी यूज कर लिया, रिमार्केबल भी यूज कर लिया, हैज अ ग्रेट वैल्यू लिख दो, रिमार्केबल हटा दो, क्योंकि स्टूडेंट प्रेसी में आपको बहुत सोच समझ के वर्ड्स को यूज करना है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट से एक्सीड कर गए तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड लिखा है, जबकि आप प्रेसी में देखोगे कहीं पर अराउंड द वर्ल्ड नहीं है, जो भी बात की जा रही है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में की जा रही है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में नहीं की जा रही है। तो आशीष ने यहाँ पर प्रेसी में जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज नॉट इन द पैसेज। तो आप लोगों को बहुत खासा ख्याल रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपने से ऐड मत करो। ओके, मेनी ऑफ, मैं बाद में आशीष के पंचुएशन मार्क, कैपिटल लेटर के बारे में जिक्र करूंगी जो मिस्टेक किया, फिलहाल हम सिर्फ इसके कंटेंट की देख रहे हैं। मेनी ऑफ द ग्रामर बुक वर रिटन ऑन दैट टाइम टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ रिच कल्चर। आइडियोलॉजी ऑफ रिच कल्चर, अब देखिए आशीष इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, यू नो, थोड़े से भारी भरकम से वर्ड्स यूज करने के लिए, यू नो, ये सब में उनको अच्छा लगता है, यू नो, दे लाइक टू प्ले विद वर्ड्स। मगर ऐसा नहीं करोगे प्रेसी में,
ठीक है, सबसे पहली चीज है आपने ये वाला लाइन लिखा, मेनी ऑफ द ग्रामर बुक वर रिटन. अब ग्रामर बुक वर रिटन तो ये कौन लिखा है ग्रामर बुक? आप देखोगे यहाँ पर एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रामर बुक्स वर रिटन टू अंडरस्टैंड दीज बेटर. सो हु वॉज राइटिंग ग्रामर बुक्स, ये तो देखना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए, द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू कैटेगराइज द मेन रीजन लैंग्वेजेस डिस्पाइट द ओरिएंटलिस्ट एडमिरेशन ऑफ द संस्कृत ट्रेडिशन द नीड टू कम्युनिकेट विद लोकल्स और कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी. यानी ब्रिटिशर्स felt the need to Britishers felt the need to communicate with the locals or convert them to Christianity, prompted them, Britishers, to learn the local language. और जिसकी वजह से as a result number of grammar books were written to understand these better. So who were writing or publishing the grammar books? It was Britishers. तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा ना. मगर आशीष ने सिंपली सी ये लिख दिया कि भाई ग्रामर बुक वर रिटन, मगर उसने ये नहीं लिखा कि कौन लिख रहा था और क्यों लिख रहा था. ब्रिटिशर्स लिख रहे थे, why? In order to convert Indians टू क्रिश्चियनिटी. फिर आपने लिखा ऑन द अदर हैंड ओरिएंटलिस्ट ऑल्सो लर्न द लोकल्स लाइक संस्कृत. लोकल लैंग्वेजेस ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है इसने. हालांकि आशीष आपको ना बड़े बड़े बॉक्स मिलते हैं यूपीएससी वाले में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. मगर यहाँ पर आपने लिखा है ओरिएंटलिस्ट ऑल्सो लर्न द लोकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत. नाउ संस्कृत वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी लोकल लैंग्वेज, संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी क्लासिक लैंग्वेज. तो ये फिर से आपने अपने से इन्फॉर्मेशन को एड किया है. Despite orientalist admiration of Sanskrit tradition, अब यहाँ पर लिखा है कि orientalist admiration. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि orientalist tried to learn Sanskrit, ऐसा नहीं लिखा है. तो आशीष आपने अपने से add किया information, ये सब चीज देखोगे आशीष, ऐसा खुद अपने से कुछ भी add नहीं करना है. In 1910, the Hindi Sahitya Sammelan was held by the Conservative Party of Independent Movement. क्यों ये hold किया गया था? ये चीज नहीं लिखी. In order to defend Hindu tradition, ये चीज तो आपने नहीं लिखी. Later, Banaras Hindu University also followed the similar desire. Seriously, English medium students love playing with words. अब ये desire क्यों लिखे हो भाई? And defend the positive Hindu tradition. अब ये Hindu tradition में positive क्या है और फिर negative क्या है? आशीष मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने प्रेसी में unnecessary words बहुत ज़्यादा include किए हैं जो कि ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, कुछ ऐसे words हैं जो आपने खुद से add कर दिया है जो passage में नहीं है, और कुछ ऐसे words आपने just in order to beautify your pressy, मुझे लगता है कि आपने ये words को include किया है. मगर मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, do not try to beautify pressy. Pressy हमेशा simple language में होनी चाहिए. High words, भारी भरकम words, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. Simple and straight, to the point आपको लिखना है आपके pressy. प्रेसी क्या होता है? रेप्लिका होता है पूरे पैसेज का. यानी आप उस रेप्लिका को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली पैसेज में क्या कह रहा है. फिर गांधी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ लिटरेचर. अब मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं लिखा है कि गांधी जी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ लिटरेचर. देख लेते हैं. देखिए गांधी के बारे में यहां पर है, गांधी जी हु एंडोर्स्ड इट मतलब हिंदी लैंग्वेज को एंडोर्स किया. लिटरेचर की बात ही नहीं आ रही है, ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन को एंडोर्स किया. अब एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट किया, बैकअप सपोर्ट. जैसे टीवी स्टार्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, वो लोग प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं. एंडोर्स का मतलब सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं. ओके, तो आप देखोगे ऋतिक रोशन है, रणबीर कपूर है, ये लोग डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स के एड में आते हैं, तो वो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी को एंडोर्स कर रहे हैं, यानी सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है गांधी इज द ग्रेट लवर ऑफ इंडियन लिटरेचर. ये भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने से ऐड की है. ही ऑल्सो सपोर्ट मिक्सचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. मिक्सचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज नहीं है आशीष. ये आप अगर देखोगे तो इसमें लिखा है पैसेज में कि ही एडवोकेटेड अ सिंथेसिस हिंदुस्तानी विच कुड बी यूज बाई ऑल स्पीकर ऑफ उर्दू एंड हिंदी. तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ उर्दू एंड हिंदी के बारे में बात हो रही है, मिक्सचर ऑफ संस्कृत नहीं बात हो रही है. तो आपने ये पैसेज नहीं समझा है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है. आफ्टर द इंडिपेंडेंस हिंदी बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन. इन 1954 द्रविडियन राइटर्स लाइक यू आर जो कंपोज अ सेवरल लिटरेचर फॉर द साहित्य अकादमी. देखिए बेसिकली साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साहित्य अकादमी के एस्टैब्लिश होने के बाद ही रीजनल लिटरेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई. ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी आशीष, ये सब जो नाम है ना, ये सब नहीं लिखने की जरूरत थी. बस आप ये लिख दो कि भाई साहित्य अकादमी प्रमोट कर रहा था ग्रेट वर्क को,
लिटरेचर को जो रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया था और जो रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे थे ऐसे राइटर्स को वो अवार्ड दे रहा था, ये लिख सकते थे आप. देर आर सेवरल लैंग्वेजेस देन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ आशीष, ये क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ पे बात आ गई? ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात हुई है क्या? अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात हुई है, चलो ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बात नहीं हुई होगी शायद. अच्छा, यहाँ पर लिखा है इट एक्नॉलेजेस मोर लैंग्वेजेस देन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अंडरस्टूड. आपने लिखा है देर आर सेवरल लैंग्वेजेस देन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप बताइए, पैसेज में लिखा हुआ है इट एक्नॉलेजेस मोर लैंग्वेजेस देन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेजेस है, शायद 21 लैंग्वेजेस को एक्नॉलेज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, शायद, मुझे नहीं पता है. तो जितना लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में एक्नॉलेज किया गया है उससे कहीं ज्यादा लैंग्वेज ये एक्नॉलेज करता है, ये इट, यानी इट कौन है, एकेडमी, साहित्य एकेडमी एक्नॉलेज करता है, ये चीज बोल रहा है. मगर आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देर आर सेवरल लैंग्वेज देन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही नहीं है. बट दे कौन सपोर्ट अदर रीजनल लिटरेचर इक्वली, ये कहाँ लिखा है आशीष, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप खुद अपने मन से लिख रहे हो. The State Act 1956 is a state according to linguistic principle. Sahitya Academy follow the common cultural traits and written. जो भी है आशीष, आपकी प्रेस ही अच्छी नहीं है. ओके, आपको मुझे याद है आपने जो पहली मुझे एक और प्रेस ही दी थी वो सही थी, इसमें उतनी गलती नहीं थी जितनी ये वाली है. और मुझे जहां तक लगता है कि आपने जो लास्ट प्रेस ही दी थी उसमें आपने कुछ अपने से ऐड नहीं किया था, यहाँ पर तो आपने अपने से इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया है. ओके, तो ये प्रेस ही मैंने लिखी है, मैं आपको बता रही हूँ. ये टोटल 150 वर्ड्स में लिखना चाहिए और मैंने लिखा है 161 वर्ड्स में. तो स्टूडेंट्स 10 वर्ड्स इधर 10 वर्ड्स उधर हो सकते हैं, हालांकि मेरे 11 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे कि कहाँ पे हम कम कर सकते हैं. देखिए, द इंडियन लिटरेचर रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस हैज इवॉल्व्ड सिंस ब्रिटिश टाइम. तो बेसिकली हम तो यही देख रहे हैं कैसे इवॉल्व हुआ था. सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इम्पोर्टेंस दिया, फिर नेशनलिस्ट ने इम्पोर्टेंस दिया, फिर खुद इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस दिया कैसे, साहित्य अकेडमी को एस्टैब्लिश करके. तो बेसिकली फर्स्ट मैंने आपको बोला जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका फर्स्ट लाइन में आना चाहिए. जो आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होता है प्रेसी का उसमें फर्स्ट लाइन में वो टॉपिक आनी चाहिए. तो फर्स्ट लाइन में लिटरेचर भी आ गया और रीजनल लैंग्वेजेस भी आ गया. तो आपका टॉपिक क्या हो सकता है, द इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये टॉपिक आपका हो सकता है, ठीक है. द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू लर्न रीजनल लैंग्वेजेस बिकॉज दे वॉन्टेड टू कन्वर्ट द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी बाय कम्युनिकेटिंग विद देम इन देयर रीजनल लैंग्वेज. सिंपल सी चीज है, ब्रिटिशर्स रीजनल लैंग्वेज क्यों लर्न किया, ताकि वो इंडियंस को कन्वर्ट कर सके क्रिश्चियनिटी में. टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स रोट अ लॉट ऑफ ग्रामर बुक्स ऑन रीजनल लैंग्वेज. नेशनलिस्ट टू रियलाइज दैट बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश दे वुड एलिनेट द लोकल्स फ्रॉम देम, सो इवन दे स्टार्टेड प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेजेस. तो आप देख रहे हो नेशनलिस्ट के बारे में भी आ गया, ब्रिटिशर्स के बारे में भी आ गया. हिंदी के बारे में जो हिंदी का जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था 1910 से बढ़ रहा था, तो हम 1910 वाला हम देख रहे हैं. तो इन 1900 देयर वॉज ऑल्सो मूवमेंट गोइंग ऑन टू डिफेंड हिंदू ट्रेडिशन. हिंदी साहित्य सम्मेलन वॉज हेल्ड इन 1910 एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन 1916. तो देखिए, मैंने एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट लैंग्वेज में लिखा है, कोई भारी भरकम वर्ड्स अननेसेसरी वर्ड्स मैंने इंक्लूड नहीं किए. फिर अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है. देखिए, अभी हमने ये वाला जितना लाइन था यहां तक का वो ब्रिटिशर्स और नेशनलिस्ट के बारे में बात हुई, ठीक है. फिर 1900 से लेकर यहां तक हमने हिंदी के बारे में बात की, ओके. और फिर उसके बाद मैंने यहां पर रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की, ओके. हाउएवर हिंदी हैज नॉट एक्लिप्स अदर रीजनल लैंग्वेजेस. इन 1954 साहित्य एकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रमोटेड इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस बाय पब्लिशिंग द ग्रेट वर्क एंड अवार्डिंग द बेस्ट लिटरेचर. या लिटरेचर ना लिख के राइटर भी लिख सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रीअरेंज द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर ओन रीजनल लिटरेचर. तो स्टूडेंट्स, मैंने एकदम सिंपल लिखा है, कोई एकदम जिसको कहते हैं हाई फाई इंग्लिश वैसा कुछ भी नहीं है. और ये जो पूरा प्रेसी है बेसिकली
जब हम बोलते हैं छोटा करने के लिए, तो आपको जैसी मर्जी वैसे आप छोटा नहीं कर सकते हो। आपको पैसेज का पूरा क्रक्स लेना पड़ेगा और वो क्रक्स लेकर आपको अपने राइटिंग में आपको वो क्रक्स को इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्रक्स क्या है, इंडियन लिटरेचर एंड रीजनल लैंग्वेजेस, और फिर उसका इवॉल्व किस तरह से हुआ वो ही बताया गया। अब मैं आशीष के मैं ग्रामर और सबके बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज है, आशीष आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, हालांकि एक ही मुझे वर्ड दिखा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, वो है ग्रामर। ग्रामर में GRAMMAR होगा, सिर्फ एक यही स्पेलिंग की मिस्टेक लग रही है। कैपिटल लेटर की बहुत जबरदस्त मिस्टेक किए हो आप, पंचुएशन मार्क की मिस्टेक नहीं करते हो, कैपिटल लेटर की मिस्टेक करते हो, ये वी कैपिटल है। उसके बाद अगर आप देखोगे कल्चर में सी कैपिटल है, फुल स्टॉप आया यहाँ पर, नहीं आया, फुल स्टॉप आएगा तभी तो कल्चर कैपिटल होगा, सॉरी सी कैपिटल होगा। ओके, फिर आप देखोगे मूवमेंट में एम कैपिटल है, क्यों है भाई, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एच कैपिटल होना चाहिए, तो आपने स्मॉल लिख दिया है। पॉजिटिव में पी कैपिटल क्यों है। ओके, तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी आशीष, कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करना, मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया हुआ है। ओके, प्रिंसिपल में ये पी कैपिटल है, कॉमन कल्चर टेसी और ये सी दोनों क्यों कैपिटल है। ओके, तो आशीष जो मैं आप लोग आपको फीडबैक दे रही हूँ उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेकर आना, फाइन। अब नेक्स्ट आप जो राइटअप दोगे मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा इस वाले राइटअप से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।